वारिस जी हमारे पार्टी के सम्मानित नेता हैं और इनके परिवार और हमारे परिवार का पुराना नाता रहा। बेगम जी आज हमारे बीच में नहीं, उनका बहुत मान सम्मान क्षेत्र के लोगों में है। मुझे भी याद है जो मैंने उनके साथ पल बिताए, उनकी मुस्कुराहट, उनका प्यार। अब हम चाहते हैं कि वो अगली पीढ़ी उनके कामों को आगे ले जाए। एनडीए से विलय हुआ है, क्या कहेंगे? एनडीए में हम लोग घटक दल के तौर पे शामिल हुए हैं, दो पार्लियामेंट की सीट लोकसभा में हम लड़ रहे हैं, बाकी सब जगह हमारे कार्यकर्ता, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ जिस जहाँ हम बैठे हैं यहाँ बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ा जाएगा, उम्मीदवार घोषित भी हो चुके हैं, तो सब लोगों को साथ देना चाहिए। अखिलेश जी लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? पीडीए की बात कर रहे हैं, तो अपनी बात कर रहे हो, करेंगे, यही तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र का मजा लो। एनडीए में जाने के बाद जाट काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं आपको? नहीं, मुझसे तो अक्सर नाराजी रहते हैं, मना लेता हूँ, कुछ मेरी मान लेते हैं, कुछ मैं उनकी मान लेता हूँ। क्या मानते हैं, गठबंधन में कितनी सीटें मिलने जा रही है? जीत तो मुझे लग रहा है हर सीट भी दिखाई दे रही हूँ। विपक्ष के लोग, उनके पास कुछ बताने को नहीं है कि हमें वोट क्यों दें। अभी तक मुझे कोई ऐसा माहौल या कोई मुद्दा या कोई प्रचार ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि विपक्ष का नेता खड़े होकर कहेगा कि इसलिए हमें वोट दीजिए। तो अभी तो वोट मांगने की स्थिति नहीं है। अब हरियाणा की सीएम बदल दी, अब एनडीए का संघ क्योंकि गठबंधन था, तो क्या आपका कुछ कारण रहे होंगे? अब 10 साल वो रहे खट्टर जी, तो कुछ कारण बने होंगे, पार्टी ने उसको महसूस किया। ये तो बीजेपी का अंदरूनी मामला है, हरियाणा के संबंधित है, क्योंकि जाट वहाँ पर काफी नाराज दिखाई दे। आपको चारों तरफ जाट नाराज क्यों दिखते हैं? नहीं, हम गए हैं ना, हमने क्योंकि आप आवाज उठाते। देखिए, जाट समाज का हिस्सा है, वो एक जाति है, अकेले एक जाति के लोग रहते नहीं, सब जगह हैं, और जाटों का अपना वर्चस्व योगदान समाज में है। आप टारगेट करके बार बार जाटों को क्यों टारगेट कर रहे हैं? मत किया करो। यदि किसान पार्टी है आरएलडी, अब किस तरह से एनडीए से विलय हुआ है, तो किसानों की बातों को लेकर किस तरह से काम किया जाएगा? देखिए, भारत सरकार की कई योजनाएं किसानों के लिए बनी है और आगे और बनेंगी, और जहां लोकदल की थोड़ी भी भूमिका रहेगी, हमारा कोई भी प्रतिनिधि होता है किसी सदन में होता है, और अब हम लोग सरकार में है, उसका यही हमारा प्रयास रहेगा कि किसानों के लिए कुछ और बेहतर फैसले हम लोग करा पाए। ठीक है, धन्यवाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।